शुभम, कैसी तस्वीर लखनऊ में आप सुबह से लगातार बने हुए हैं चुनावी मैदान में, किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है मतदाताओं के बीच? ये बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो मतदान का आज चौथे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लगभग जो है 59 विधानसभा सीटें हैं जिन पर जो है मतदान लगातार जारी है, और कह सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को दुरुस्त किया गया है, लगातार जो है जो चीजें हैं प्रशासनिक अमला है उसमें इंतजाम किया है। लखनऊ में अगर लखनऊ के हम बीकेटी विधानसभा की बात करते हैं तो बहुचर्चित विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर जो प्रत्याशी और जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा की विधानसभा मानी जाती है। और लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उसका कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, और साफ देख सकते हैं कोविड हेल्प डेस्क के जरिए लोगों की जाँच होती है और उसके बाद लोग जाते हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है सावधान की गई है, जिसका साफ पता चलता है कि आखिरकार जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका भी लखनऊ में पालन किया जा रहा है। कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ में सारी चीजें की जा रही हैं। अगर हम मतदान प्रतिशत पे आते हैं तो मतदान प्रतिशत अब तक जो है उत्तर प्रदेश में जो 59 विधानसभा सीटें हैं उन पर लगभग जो है कहा जा सकता है कि 9.10% मतदान हो चुका है। उसी के साथ अगर हम रुझानों की बात करते हैं, लगातार जो लोग आ रहे हैं मतदान करने, अगर उनकी बात करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखा जा सकता है। जिस तरीके से लोग आज इस बार मतदान करने पहुंच रहे हैं, लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश जो है उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट जारी की थी कि सभी लोग मतदान करने पहुंचे, और वहीं लखनऊ कमिश्नर जो है उन्होंने भी मतदान करने पहुंचे थे। उसी के साथ कह सकते हैं कि सबसे पहले मतदान करने के लिए जो है मायावती जी पहुंची। मायावती जी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मायावती जी ने मतदान किया, उसके बाद मोहसिन रजा ने मतदान किया है। कहा जा सकता है जितने भी प्रत्याशी हैं लगातार मतदान करने पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय बाद जो है जो आशुतोष टंडन है वो भी मतदान करने पहुंचेंगे और वो अपना मतदान करेंगे। बिल्कुल शुभम, और आपके पीछे जो मतदान केंद्र है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ है, यानी कहा जा सकता है कि कोई कमी नहीं छोड़ी गई है प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए या आकर्षित करने के लिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश है उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो मतदान स्थल है उनको दुरुस्त रखा जाएगा, कुछ अच्छा किया जाएगा, कुछ नया करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान कर रहे हैं। और कई जगह पर तो सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जिससे जो लोग हैं वो सेल्फी पॉइंट के जरिए वहां पर सेल्फी ले सकते हैं, अपना वोट जो बहुमूल्य वोट है और लोकतंत्र के महापर्व पर जो लोग पहुंच रहे हैं अपना एक वोट जो है मतदान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब लखनऊ की ऐसी स्थिति है तो बाकी जिलों का जो परसेंटेज आया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग जो है बढ़कर का हिस्सा ले रहे हैं।